गिरती इकोनॉमी गिरती इकोनॉमी गिरती इकोनॉमी, क्या वजूहत है? इंडिपेंडेंस एक दिन होने के बावजूद भी हिंदुस्तान तरक्की करता है और पाकिस्तान तरक्की पसीर होता जा रहा है, वजूहत? मेन वजूहत जो ये है ना कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है ना वो नहीं है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो एक हुकूमत को टाइम मिलता है जो उनकी आवाम उनको देती है, तो वो अपना डिलीवर करके दिखाते हैं, जो अगर नहीं भी करते तो 5 साल बाद उनकी आवाम उनका एहतसाब करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि उनको जो आते हैं जो भी जैसे भी आए, तो उनको खेलने नहीं दिया था, उनको काम नहीं करने दिया था, उनके पीछे से एस्टेब्लिशमेंट हाथ बांध देती है, तो इस वजह से जो है जो भी आए, चाहे पीटीआई आए, नून लीग आए, जो भी है, जो अपने उनके दिमाग में उनके मंसूबे होते हैं उनको ये पूरे ही नहीं करने देते। वो कहता है उसके मफादात से टकराव हो रहा है, वो उसके मफादात से, तो हर किसी के मफादात से टकराव एक दूसरे की वजह से जो हमारा डॉलर नीचे आ रहा है सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के तहत। वो एस्टेब्लिशमेंट के तहत तो आ रहा होगा, ये कभी कोई 100 करते हैं खराब तो एक सही भी कर देते हैं, वो इतना मसला है। लेकिन मसला ये कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है ना, अगर इस सिस्टम को यहाँ चलने दें तो इंशाल्लाह आगे जाके जो है पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, और जो पाकिस्तान की तरक्की का राज है वो डेमोक्रेटिक, उसमें एक अगर एक तसलसल के डेमोक्रेसी कैसे आ सकते हैं? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम और जमहूरियत साथ साथ है, मतलब अब जो भी हुकूमत है बस जो आवाम यहाँ मुंतखब करती है, अब इस्लामी जो सिस्टम है वो तो जाहिर से यहाँ खलीफा वाला सिस्टम तो नहीं आ सकता, तो अब ये है कि जो यहाँ चल रहा है जो हुकूमत आवाम मुंतखब कर रही है वो उसको चलने दें, उसको यहाँ चलने नहीं देते, उसकी यहाँ टांगे खींचते, तो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही। एक और सवाल है G20 का, बताओ शायद आपको, G20 की जो मीटिंग हो रही है उसके बड़े चर्चे हैं दुनिया भर में, ग्रैंड 20 कंट्रीज हिंदुस्तान जा रही है, उनमें मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा है। अब मिडिल ईस्ट की बात करें, जितने भी मिडिल ईस्ट है, G20 का एक दिन था, अब उन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा वहाँ रुकने का फैसला किया और कहा है कि भाई एक दिन और रुक के हम हिंदुस्तान के साथ अपने जो बेनिफिशियल ट्रेड और सारे पार्टनरशिप वगैरह है वो सब हम करेंगे एक दिन रुक के। अब क्या वजूहत हैं वो हिंदुस्तान को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। जाहिर है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान जो है हम आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, इसकी हुकूमत गिरा दो, इसकी कर दो, उनका मेन फोकस है अपने मुल्क को तरक्की देना। मैं मोदी की स्पीच सुन रहा था जब वो उसके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो मोदी कह रहा था कि मैं मुझे अगर 5 साल बाद और मौका मिला तो मैं इंडिया को नंबर 3 पे ले आऊंगा पूरी दुनिया में, तो ये उनकी, और ऐसा हो सकता है अभी 5 पे चल रहे हैं। मोदी जब से वहाँ पे आया है तो उन्होंने वहाँ पे चाहे जो भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो काम करा है, जिस वजह से जो वहाँ पसंद भी किया जाता है, वो चाहे उसका एक हिंदू नजरिया होगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो है वहाँ वो काम करके दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और इंडिया को उन्होंने तरक्की दी है। एक चीज आपने कहा हिंदू नजरिया होगा, हम कैसे जज कर सकते हैं कि हिंदू नजरिया होगा? क्योंकि मैंने जितनी स्पीच सुनी है, मैं पढ़ती हूँ, हर कंट्री को पढ़ती हूँ, अब जब मैंने उनकी जितनी स्पीच सुनी है उस स्पीच के अंदर मुस्लिम्स के लिए भी जिक्र होता है, और कभी जिक्र ये नहीं हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट हो, जिक्र कुरान भी होता है, जिक्र खुदा भी होता है, अल्लाह का हर चीज का जिक्र होता है। इवन मैंने एक स्पीच उनकी सुनी, उन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाई जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है कुरान में वहाँ इल्म का जिक्र है अल्लाह के बाद, तो इल्म भी हासिल करो। अब इसमें कोई गलत बात तो की नहीं, हम फिर कैसे कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं? वो इस तरह हम कह सकते हैं कि उनके कुछ जिस तरह वो बस दिखाने के लिए, दुनिया को तो नहीं दिखा सकते ना कि एकदम कि हम ऐसे इस तरह करेंगे तो उन पर सेंक्शन लगा देंगे, या अमरीका की जो इंसानी हकूक की तंजीम है वो उनके ऊपर जो है बहुत पाबंदियां लगाती है, उनको तो ऐसे दिखाएंगे, जाहिर सी बात है कि भाई हम बहुत उनके लिए साथ हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने की हद तक, लेकिन जो वहाँ रह रहे होते हैं वो तो एक अलग सूरत है। अगर मुसलमान एक चीज देख लेते हैं, सोशल मीडिया बहुत आम है, आप मैं कोई भी मोबाइल पकड़ के कुछ भी बना के डाल सकता है। मुस्कान नमन लड़की की जो वीडियो वायरल हुई थी उस पर पाकिस्तान ने कितना ज्यादा हंगामा मचा दिया था कि भाई मुसलमान को वहां पर दुपट्टा नहीं लिया देना, हिजाब नहीं दिया जाता। अब इस तरह की अगर चीजें हों तो वो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती? वहाँ पे वैसे कंट्रोल है गवर्नमेंट का, उधर उनके जो सिस्टम है हर चीज में हमने गंदा कर दिया, हमने कहना नहीं वो सही नहीं है। नहीं सही तो है, क्यों नहीं ऐसा सही का, बस सिर्फ उनका थोड़ा सा इस बाकी ये कि हमसे तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जाहिर है तरक्की कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अभी हम तो उनके बहुत पीछे हैं, हमारा और उनकी करेंसी का जो है 300 गुना का फर्क है इस टाइम, तो बाकी ये कि टमाटर मिसाल यहाँ 10 रुपये तो वहाँ पे 10 है, तो यहाँ जो 300 जा रहा है इतना तो फर्क है, तो बस यही फर्क है, बाकी ये कि थोड़े मोड़े हर जगह कोई ना कोई मसले होते हैं, लूप होल्स होते हैं। अच्छा तो, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि हमें जिस तरह से सारी मिडल ईस्ट उठ के जितने भी, मैं हिंदुस्तान की अकेले की बात नहीं करूंगी, मिडल ईस्ट जितने भी कंट्रीज के साथ अच्छे अच्छे ताल्लुकात बना रही है, क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के साथ क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, बना रहा है या बनाने चाहिए, या फिर पूरी दुनिया के साथ हमें चलना चाहिए? हमें तो पूरी दुनिया के साथ चलना चाहिए, जाहिर है एक मुसलमान है, मुसलमान से बना के उनका क्या है? हमारी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी चल रही है वो मुसलमानों के साथ थोड़ी चल रही है, एक्सपोर्ट जो हो रही है वो तो अमेरिका और ये यूरोप के मुल्क जो चाइना इनके साथ है, अगर हम मुसलमानों से ताल्लुक बना लेंगे तो पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी वही बैठ जाएगी, सही बात है। तो इस वजह से
अगर हम मुसलमानों पे ही रह गए तो फिर तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो मुसलमानों में वो इत्तेहाद भी नहीं है जिस तरह आपस में जो बाकी दीगर कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में है, एक इत्तेहाद है ये, तो इस तरह इन लोगों में तो इत्तेहाद भी नहीं है। तो इसलिए कि इनको सबके साथ ही चलना चाहिए वरना इसी में ही फायदा है, और वरना नहीं करेंगे तो फिर आगे इनको मुश्किलात का सामना भी होगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? अबू बकर सदीक। करते क्या है? मैं बैंक में होता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सूरत है, अच्छा इकोनॉमिक, और मेरा सवाल भी यही है, इसी में ही है। मेरा सवाल भी इसी में ही है। सवाल मेरा बेसिकली ये है कि पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आपके सामने है कि आज दुनिया हमें पैसे दे दे के भी थक गई है, और आज अगर हम G20 की बात करें तो G20 में ग्रैंड 20 कंट्रीज गई है लेकिन पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है। और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है जबकि इंडिपेंडेंस जो है हमने इंडिया से ली और एक टाइम पे ली? मीस इसके बड़े लंबे जवाब आ रहे हैं। सबसे पहले छोटी जगह से शुरू करें कि हम किसी रवायत को पूरा करने के लिए एक गरीब बंदा कर्जा लेता है ना ले, अगर उसकी गुजाइश नहीं है, बड़ी बातें तो बात की बात है, अगर बड़ी बातें तो बात की हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक गरीब आदमी जिसके अंदर था 30,000 रुपये, अगर उसने कोई काम करना है तो 20-30,000 में गुजारा करे, कर्ज की लागत में ना पड़े, बेशक पैदल चल ले। यहाँ से स्टार्ट कर करके आगे जाए तो हाई लेवल पे है कि हमें टैक्सेस लगाने की जरूरत है, पहले अपने रुपये को डिफेंड करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को खत्म करें, आपके मामला सेट हो जाएंगे, अपनी स्मगलिंग को खत्म करें, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि टैक्सेस के निजाम को बेहतर बनाएं, FBR बेहतर बनाए, CBR बेहतर बनाए। तो लगता है आपने इतनी बातें की हैं कि ये बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह हो सकती है, बिल्कुल आराम से हो सकती है। अच्छी सी गवर्नमेंट आए जो कि इन चीजों को कंट्रोल करे, पाकिस्तान की जो गिरती हुई रुपये की वैल्यू है इसको कंट्रोल करे। आज डॉलर इतना ऊपर चला गया, इस डॉलर को कंट्रोल करके 80 रुपए पे लेके आए, रियाल को 18 रुपए पे लेके आए, ये सब कुछ हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। पावर के थ्रू करे, लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाए, ठीक है जी, और ये गवर्नमेंट और जो हमारे अदारे उनको सपोर्ट करे, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान का इतना आगे जा सकता है कि आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया की जरूरत ही महसूस होगी, लेकिन इसके लिए कोशिश करने की जरूरत है। अच्छे हुक्मरान को चुने, में सियासत किसी सियासतदान की बात नहीं करूँ, जिसको आप समझते हैं उसको लेके आए। उम्मीद कर लेती हूँ कि ऐसा वक्त आ जाए, उस वक्त बेहतरी होगी जब आपके हुक्मरान चीज पे कंट्रोल करें। सबसे पहले अपनी रुपए की डीवैल्यूएशन को कंट्रोल करें, आपका रुपया मुस्तकिम होगा, आपका डॉलर नीचे आएगा, आपका पेट्रोल नीचे आएगा तो आपकी मुल्क की महंगाई खत्म होगी, इस मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी इज्जत होगी। दूसरी जानिब हम बात करते हैं इस टाइम G20 की, G20 के अंदर जितनी मिडिल ईस्ट हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो खुद जा रही हैं और उनके ट्वीट भी आए हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जितने भी बेनिफिशियल रिलेशन है ट्रेड का वगैरह, जितने भी मतलब डील्स वगैरह है वो हम करके ही इस बार जाएंगे, एक दिन वो सारे एक्स्ट्रा रुक रही है, इस पर आपकी क्या राय है कि वो क्यों प्रेफरेंस दे? मजहबी मामला आ जाता है, मेरी इस पर कोई राय नहीं है। मजहबी हम मजहब को क्यों सबसे पहले तो आप इस चीज को कंट्रोल करवा लें कि हर बंदा अपने एक्सपेंस के मुताबिक कंट्रोल करे, मजहब के मुताबिक राय नहीं। मैं मजहब की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि इधर ही कोई हिंदू फिर रहा है, इधर ही कोई मुस्लिम फिर रहा है, असाई शिया हम उनके जज्बात को नहीं, मजहब की बात ही नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ कि जितने मिडिल ईस्ट हैं वो सब ये चाहते हैं ना हिंदुस्तान से, मैंने हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं, हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखना, पहले हम अपने मुल्क को ठीक करें, पहले अपने आप को हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ही देखना, नहीं देखते बताएं मुझे, नहीं देखते हम, देखते हैं हमारी मजबूरी है कि अभी नहीं देखना, मजबूरी बताएं मुझे, मजबूरी आपको पहले एक छोटी बात बताइए, पहले अपने घर को ठीक करें। मजबूरी क्या है? मजबूरी वही मैंने आपको कहा कि वो फिर आगे से आगे बाहर निकल जाती है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगी तो फिर वो मजहबी मामले आ जाते हैं, हम उनको छेड़ नहीं सकते। अभी आपने सबसे पहले अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने हैं। मैं आपको यहाँ पर, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी इफेक्ट पे बात की पहले, लेकिन यहाँ पर आप थोड़े से डिसमिस हो रहे हैं कि मजहब बीच में कैसे आ गया। मैं यहाँ पर इकोनॉमी की बात करूँ मिडल ईस्ट से हिंदुस्तान, मैंने हिंदुओं की मुस्लिम की बात एक दफा भी नहीं की, मैंने हिंदुस्तान की मिडल ईस्ट से रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात किया, फिर मजहब कहाँ से आ गया? अगर हम पाकिस्तान की, अगर हम हिंदुस्तान की सपोर्ट करेंगे तो हमारे आधे पाकिस्तानी गुस्सा खा जाएंगे कि यार ये बंदा हिंदुस्तान चाइना को क्यों कर रहा है, चाइना हमें क्यों कर रहा है, वो मुस्लिम है। एक इत्तेफाक कर ले, अभी इस चीज में हमने नहीं आने, अभी अपने अपने मुल्क को स्टैंड करना है, हमारी मेंटालिटी है, हम तो गलत ज़हनियत के मालिक बने हुए हैं। ऐसा मिस ऐसा ऐसा इतना बिगड़ा हुआ काम ऐसा ऐसा कंट्रोल होगा, मैंने आपको पहले छोटी मिसाल दी है कि 170 से लेके एक एरोप्लेन तक पहले अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, आगे की तरफ मत जाएं,
जो बंदा होंडा सिविक अफोर्ड नहीं करता है वो रिक्शे पे जाए ना जाए, कर्ज ना ले, कर्ज ना ले, कर्ज ना ले। फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसराइल को नहीं मानते, पासपोर्ट में बकायदा बड़े बड़े लफ्जों में लिखा हुआ है हम नहीं मानते, लेकिन रॉयल चिल्ड फैमिली से हमारे इस बार हुकूमत ने उनसे कर्जा और पैसे एड समझ ले ले ना, ना ले, क्यों लेते हैं ये तो सवाल है, क्यों आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरों को माने, हिंदुस्तान को नहीं माने। 40,000 है वो कर्ज लेके 20,000 रुपए क्यों काम करे, शादी अगर 500 रुपए में हो जाती है उसके ऊपर 20 लाख क्यों खर्च होता है, मुझे ये कहना है। अभी हाई लेवल की बात ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? इफ्तिहार। करते क्या हैं? कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं कारोबार में? कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, लोगों की बाइंग नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। इधर के वो अपना बिजली का बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, घर की जरूरत पूरी करेंगे, हर चीज डबल हो गई है, आप जो मर्जी चीज ले लें। बिल्कुल ये बात तो सच है, रियलिटी ले लें, 3 times उसकी प्राइस हो गई ज्यादा, 200 की है, 50 से 200। अगर आप ऑयल लेती हैं जो था 500 का या 400 का, वो आप देखें कितने 600 का। बदकिस्मती ये है चीजों की प्राइस बढ़ी है लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ी। सैलरीज कैसे भरेंगी आप मुझे बताएं, जब मुझे ही पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं सैलरीज कैसे भरूंगा, कैसे भरूंगा बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जानिब हम देखें तो सर, आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग है, ग्रैंड बड़ी कंट्रीज जा रही है जिनकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है, उनमें हमारे मुस्लिम जो कंट्रीज है वो भी आते हैं, क्या वजूहत है कि वो एक कंट्री जो हम अलग हुए थे आज वो ग्रैंड 20 कंट्रीज को अपने मुल्क के अंदर बुला रहे और आज हम देखें उस कंट्री के अंदर शामिल भी नहीं है? बेटा मैं अकेला बंदा हूँ जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, राइट, आई एम लुकिंग ऑल ऑफ देम, उनकी हिफाजत करता हूँ, लुक आफ्टर करता हूँ। ये हमारे हुक्मरान हमें अपना कुछ नहीं समझते, बस अपना देखते हमारी जेब में क्या आ रहा है, सबको लुक उठा के तो ले गए, क्या बचेगा पीछे, कैसे इकट्ठे होंगे हम अगर वो ही नहीं सिंसियर मुल्क के साथ। फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि आज मुसलमान में ईमान का जज्बा कम हो गया? ईमान का जज्बा है, इनमें नहीं है जो हुक्मरान है, इनमें ईमान का जज्बा नहीं है। और इनमें क्यों नहीं है, कहने को तो ये भी मुसलमान है, इनमें नहीं है, इनका खून ही सफेद हो गया हुआ, उनका मरना याद ही नहीं है। मुझे आप बताएं, मैं आपको कहूँ जी पूरा पाकिस्तान आपका, सो व्हाट, आपने खाने से 2 रोटी हैं तो, लेकिन वो ये चीज नहीं सोचते, 2 रोटी खानी है ना आपने, ये खाएंगी आप, मैं कहूँ जी पूरा पाकिस्तान ही आप ले लो, सबकी दौलत भी ले लो, खानी आपने 2 ही रोटी है, और एंड में मरना भी है, और मरना भी है, फर्क आगे जो आप भी देना चाहोगे। सर अगर हम देखें, मैं एक छोटी सी बात करूंगी मुख्तसर सी, कि हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, हिंदुस्तान से आज़ादी लेने का मकसद भी यही था कि तरक्की करेंगे, डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। सर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ज्यादा है, हम कहते हैं कि हिंदुओं का राज है वहाँ पे, हिंदुओं का राज होने के बावजूद भी आज वो बड़ी मौशियत रखता है और सब खुश है वहाँ पे, क्यों? वो इसलिए कि वो मुल्क के साथ सिंसियर है, ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। आपने ज़िया हुकूमत और देखा हुआ या नहीं? ज़िया हुकूमत में 11 साल उसने हुकूमत की, अगर पेप्सी की बोतल 10 रुपए की थी तो 10 की थी 11 साल, अगर आटा जो था वो 50 रुपए किलो था तो 85 रुपए किलो था, कोई चीज़ नहीं पड़ी, सब ने तरक्की की है ज़िया हुकूमत ने। अब यहाँ पे रात को आप सोएं सुबह पेट्रोल जी 15 रुपये महंगा हो गया, रात को घर जाएं जी 5 रुपये फिर महंगा हो गया, सुबह आए जी चीनी 50 रुपये महंगी हो गई, तो आप तो डेस्परेट, मैं तो डेस्परेट हूँ इस मुल्क से। सर मुझे बताइएगा, हम मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं कि मुसलमान मुसलमान कंट्री का भाई है और मुसलमान मुसलमान कंट्री को ही सपोर्ट कर सकता है, मुझे बताइएगा कितनी जरूरत है हमें पूरी दुनिया के साथ कदम ब कदम बना के चलने की, या फिर मुसलमान मुसलमान ही करते रहना? देखिए बात ये है कि मुसलमान तो हम हैं, मुसलमान कंट्रीज भी हैं, लेकिन उनको इलम है कि ये सारे चोर डाक